लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। नवीन मंडी स्थल मोहम्मदी लखीमपुर खीरी क्षेत्रीय किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। कहा कि सरकार ने धान का रेट रखा है 1940 व 1960 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दूसरी तरफ क्रय केंद्र सेंटरों पर उक्त सरकारी रेट पर धान खरीद न होने के कारण किसान का धान लगभग 1200 से 1300 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मदी मंडी समिति का यह हाल है कि सेंटरों पर बैनर तो लगे हैं मगर सेंटर तो बंद नजर आते हैं। आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं, धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। किसानों का कहना है कि हम लोग मजबूर हैं धान को कम कीमत में बेचने के लिए। लखीमपुर से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। चैनल के माध्यम से हम लोग ग्राम पंचायतों में जाकर के 2022 के चुनाव को लेकर के थोड़ा माहौल क्या है देख रहे हैं, तो क्या दिक्कत है कहना चाहेंगे आप? कहना का हमको बहुत तकलीफ है, जैसे पराली फूंकने में तकलीफ है जी, और जो है गल्ला कोई रेट नहीं बिक रहा है और डीजल की रेट बहुत हाई फाई जा रही है और काश्तकार बेहोत मर चुका है।